दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दिल्ली सरकार ने किसानों के प्रोटेस्ट के संबंध में कोर्ट में उनका पक्ष रखने के लिए वकीलों का पैनल बनाया था। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली सरकार का ही पैनल कोर्ट में पक्ष रखेगी। केंद्र सरकार एलजी के माध्यम से दिल्ली सरकार के काम हस्तक्षेप कर रही है। वकीलों की नियुक्ति दिल्ली सरकार का काम है। संविधान में एलजी को कुछ अधिकार जरूर दिए हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वह दिल्ली सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार तरह तरह के अड़ंगे डालने में लगी है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या के रूप में बताया है। नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में आज कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में दिल्ली सरकार ने फार्मर्स के प्रोटेस्ट के संबंध में कोर्ट में पक्ष रखने के लिए जो वकीलों का पैनल बनाया था, तो सरकार ने तय किया कि दिल्ली सरकार का ही पैनल वहां कोर्ट में दिल्ली सरकार को रिप्रेजेंट करेगा। पहले भी दिल्ली सरकार ने इसका पैनल बनाया था तो केंद्र सरकार ने एलजी साहब के माध्यम से उसको रिजेक्ट करने की कोशिश की थी, पर आज दिल्ली सरकार ने तय किया कि दिल्ली का ही पैनल रिप्रेजेंट करेगा। ये तो आज दिल्ली सरकार ने तय किया, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि केंद्र सरकार एलजी साहब के माध्यम से लगातार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रही है। वकीलों की नियुक्ति ट्रांसफर सब्जेक्ट है, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट का मतलब है कि संविधान के हिसाब से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को करनी है, लेकिन एलजी साहब बार बार उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं यहां सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि संविधान में एलजी साहब को कुछ अधिकार दिए गए हैं, केंद्र सरकार के कुछ काम है, दिल्ली सरकार के कुछ काम है, एलजी साहब को कुछ अधिकार दिए गए हैं। संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजेज ने यह डिसीजन दिया हुआ है कि ट्रांसफर सब्जेक्ट पे, यानी कि जो सब्जेक्ट दिल्ली सरकार के दायरे में आते हैं, उन पर डिसीजन लेने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार का है, एलजी साहब का नहीं है। एलजी साहब को संविधान में एक वीटो पावर दी गई है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम में वो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, डिफरेंट राय दे सकते हैं। लेकिन संविधान की 5 जजों की बेंच ने बहुत विस्तार से समझाया है कि ये जो वीटो पावर एलजी साहब को मिली है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के लिए मिली है, यानी कि कभी कभार कोई बहुत बड़ी आफत आई हुई हो उस वक्त एलजी साहब अपने वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हर रोज दिल्ली सरकार के, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप का जो वीटो डालने की आदत पड़ती जा रही है, यह जनतंत्र की हत्या है।